now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. और कैन यू सॉल्व दिस, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ. तो ये थंबनेल में आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा स्टूडेंट. तो सारे के सारे पहले आप लोग क्या करो, वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करके ये जानने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि नहीं बन सकता है. टेक्निकल टीम जरा मुझे एक बार हाइड करिएगा, स्टूडेंट को पूरा का पूरा क्वेश्चन दिख जाए. तो आप लोग समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये थंबनेल में आपको दिख रहा होगा, यही चीज है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है भले टाइम ले लो, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखना और इसकी ट्रिक को समझने की कोशिश करना. ये एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और रेलवे के एग्जाम्स में भी आता है, स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी. तो कैन यू सॉल्व दिस, ये वाला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं. ऐसी सीरीज में लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए. डेली देखिए एक ट्रिक अपलोड होती है, कल भी एक ट्रिक अपलोड होती है. अभी तक 6 to 7 वीडियोस आ चुकी हैं शॉर्ट ट्रिक के ऊपर. तो शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस को देखना ना भूले, डेली 5 मिनट शॉर्टकट अपलोड होता है. ओके स्टूडेंट. और मेरी डिजिटल गुरुजी की क्लास आती है 4 बजे, उसको भी देखना ना भूले. 4 PM पे एसएससी डिजिटल गुरुजी आपको देखने को मिलेगा. चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहले ये वाला, पहले बेसिक समझते हैं फिर कंसेप्ट क्लियर होगा. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखिए AD बराबर 1 है, BD बराबर 2 है, AE बराबर 3 है और EC बराबर कितना है, 3. ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखो दिस इज 2, दिस इज 1. ठीक है, और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC. तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी. देखो अगर ये 1 है ये 2 है तो टोटल कितना होगा, 3. अगर ये 1 है ये 2 है तो टोटल कितना होगा, 3. अगर ये 2 है 3 है तो टोटल कितना होगा, 5. अगर ये 1 है 2 है टोटल होगा 3, अगर ये 2 है 3 है टोटल होगा 5. तो मुझे इसका एरिया अपॉन इसका एरिया निकालना है. तो डायरेक्ट शॉर्टकट सुन लो, शॉर्टकट है 1/3 इंटू 2/5. खत्म, आंसर आ गया मेरा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. 1/3 इंटू 2/5, आंसर आएगा 2/15. कितना आ जाएगा, 2/15. कंसेप्ट क्लियर हो रहा है. तो इसी तरह से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो. अगर फॉर एग्जांपल इसको आप मिला भी दोगे कहीं पर भी तो भी आंसर निकल आएगा. तो देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोग को यहीं पर बात समझ में आ जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं. बात क्या है समझो, बात यह है, सपोज आपने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, आपने बनाया, अगर ये 1/4 है, ये 2/3 है, तो टोटल कितना हो गया, 5, और ये टोटल कितना हो गया आपका, 5. तो इसका एरिया कितना होगा, इसके एरिया का रेशियो होगा 1/5 इंटू 2/5. तो आंसर होगा 2/25. आंसर कितना होगा, 2/25. और अगर आपको ये वाला एरिया निकालना है तो इसको 1 से माइनस करना होगा, तो 1 - 2/25 कितना हो जाएगा, 23/25. ठीक है, क्योंकि टोटल एरिया तो 1 है. तो आप लोग को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी. और इस ट्रिक को हम लोग प्रूफ कहां से करते हैं, इस ट्रिक को हम लोग प्रूफ करते हैं हाफ ए बी साइन थीटा के फॉर्मूले से. तो प्रूफ पे तो अभी नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे जा रहे हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कैसे होती है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये एसएससी का क्वेश्चन है. इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है आपसे पूछा है पी क्यू आर का एरिया, तो कॉमन सेंस वाली बात है. देखो सबसे पहले हम लोग ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया कितना होगा, 1+1 कितना हो गया, 2. ठीक है, 2+1 कितना हो गया, 3. 2+1 कितना हो गया, 3. अब समझो अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, अगर ये वाला एरिया निकालना है तो 2 1/2 इंटू 2/5 2/3. ये ना 1/2, देखो दिस इज 1 1/2 इंटू 2/3 प्लस, फिर इधर कितना होगा, 1/2 1/2 इंटू 1/3. ठीक है, फिर इधर कितना होगा, 2/3 इंटू 1/3. ठीक है, तो ये टोटल एरिया हमारा निकल आया. देखो ये टोटल एरिया हमारा निकल आया, 1/2 इंटू 2/3, पहले ये निकलेगा, फिर 1/2 इंटू 1/3, फिर ये निकलेगा, फिर 2/3 इंटू 1/3, फिर ये निकलेगा. क्लियर हो गया. तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3 प्लस, ऐसा करते हैं 2 से 2 कैंसिल नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/6, सॉरी दिस वैल्यू विल बी 2/6, 2 × 3 = 6, फिर ये हो जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा 2/9. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस वैल्यू विल बी 3/6, मतलब 1/2. तो अगर आप एलसीएम लेते हो, 9 × 2 = 18 और 2 × 2 = 4, तो ये कितना हो गया, 13/18. कितना हो गया, 13/18. लेकिन स्टूडेंट मुझे निकालना है ये वाला एरिया, तो इसको 1 से माइनस करेंगे, 1 - 13/18 कितना होगा, 5/18. ठीक है, तो 1 से क्यों माइनस किया, क्योंकि टोटल एरिया 1 है. टोटल एरिया 1 में से हमने ये वाला और ये वाला क्या कर दिया, माइनस कर दिया. तो करेक्ट आंसर विल बी 5/18.
5/18 रेशियो आएगा, तो हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे, हाफ ए बी साइन थीटा का मेथड यूज करेंगे। किसका मेथड यूज करेंगे? हाफ ए बी साइन थीटा। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसी ट्रिक्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहा करिए, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी है भाई आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट, मेरा डिजिटल गुरुजी का शो आता है 4 बजे, उसको ज्वाइन करिए, और मैं आईबीपीएस क्लर्क प्री का क्रैश कोर्स ले रहा हूं, उसको भी ज्वाइन करिए। तो अगर आप ये ज्वाइन करेंगे दोनों चीजें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और मेरा टेलीग्राम है उदित महेंद्रास के नाम से, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, उदित महेंद्रास। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।